सभी का स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो पराग अग्रवाल बन चुके हैं और वो भारत से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय मूल के हैं। तो एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है भारतीयों के लिए, क्योंकि जिस तरह से विदेशों में भारतीयों का डंका बज रहा है उसको देखते हुए हर कोई काफ़ी उत्साहित रहता है और काफ़ी उत्साहित है भी, क्योंकि पराग अग्रवाल ने जिस तरह से इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, बहुत अच्छी बात है और बहुत हम सभी को प्रेरणा लेने की इससे ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जो है बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, उससे मायूस कहीं ना कहीं हो जाते हैं। लेकिन आज पराग अग्रवाल की आपको मैं वो डिटेल्स दूंगी, वो जानकारियां दूंगी कि पराग अग्रवाल पहले क्या थे, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की और कैसे इतनी कम उम्र में वो इस मुकाम पर पहुँच गए। तो इसीलिए हमें कभी भी देखिए मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं पता, क्या पता कभी भी किसी का समय अच्छा हो सकता है। तो आज पराग अग्रवाल के बारे में मैं बात करूंगी। तो देखिए, पराग अग्रवाल कल नए ट्विटर के सीईओ बनाए गए हैं। हालांकि ट्विटर के जो पहले सह संस्थापक थे उन्होंने ट्वीट कर जो जानकारी दी कि जैक डॉर्सी ने इसकी घोषणा की थी कि पराग अग्रवाल अब कंपनी के नए सीईओ होंगे, मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसे में आपको बता दें, पराग अग्रवाल का सीईओ बनना अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि बोर्ड का, यानी कि जो ट्विटर का बोर्ड होता है, ट्विटर के होने वाले इंडिपेंडेंट बोर्ड चेयरमैन ब्रेट टेलर ने कहा था, क्योंकि उनका भरोसा बहुत ज़्यादा पराग अग्रवाल पर था, इसलिए कहीं ना कहीं एक अहम पॉइंट ये भी है कि इस पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के सीईओ क्यों बनाए गए। दूसरा, अगर आपको ये बताऊँ कि पराग की भूमिका ट्विटर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, पहले भी बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने ट्विटर के लिए करे हैं। और ऐसे में आपको बता दूं, उन्होंने कहा, ब्रेट टेलर ने कहा कि पराग ट्विटर को समझते हैं और कंपनी की विशिष्ट संभावनाओं की कद्र भी करते हैं। तो यानी कि जो इंसान बहुत अच्छा काम करता है कंपनी के लिए, उसको हमेशा आगे बढ़ाने की कंपनी भी कोशिश करती है, और यही शायद पराग अग्रवाल के साथ हुआ है, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड वो हमेशा से रहते थे। इसके साथ आपको मैं बता दूं, पराग अग्रवाल 2018 में कंपनी के CTO भी बने थे, और ये भी माना जाता है कि उनकी इंजीनियर एक्सपर्टीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एड नेटवर्क में है। तो यानी कि एक्सपर्टीज भी उनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में देखी गई थी, और ये दोनों की कंपनी के लिए काफी जरूरत भी पड़ी, यानी कि जिस चीज में उनकी एक्सपर्टीज थी, इंजीनियर एक्सपर्टीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एड नेटवर्क, ये जो इनकी एक्सपर्टीज थी कंपनी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी में ये वो काम हमेशा से करते आए थे, इसीलिए उनको ये पद भी मिला। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, ट्विटर के रिवेन्यू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पर उनके इंजीनियरिंग वर्क की वजह से कंपनी को साल 2016 और 17 में अपने ऑडियंस ग्रोथ को बढ़ने में मदद मिली थी। यानी देखिए, पराग अग्रवाल ऐसे ही नहीं एकदम से सीईओ बन गए हों और एकदम से इतना ऊपर आ गए हों, वो बहुत पहले से काम करते आ रहे थे। हालांकि देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि पराग अग्रवाल ने 2011 में ट्विटर को ज्वाइन किया था, और 2016 में कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और उनके इंजीनियरिंग वर्क की वजह से कंपनी को 2016-17 में अपने ऑडियंस ग्रोथ में काफ़ी मदद मिली थी। यानी कि बहुत अच्छा वो काम शुरू से करते आ रहे थे, इसीलिए उनको ये पद दिया गया। उसके बाद आपको बता दूं कि जैक डॉर्सी उन्हें भी पराग काफ़ी पसंद थे, और इस चीज़ ने भी उन्हें काफ़ी टॉप पर पोस्ट करने की मदद की। यानी जैक डॉर्सी की नज़रों में पराग बहुत अच्छा काम करते थे, उनकी इमेज बहुत पहले से अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने आगे नाम उनका बढ़ाया पराग। और इसीलिए देखिए, फिर से मैंने बताया आपको कि साल 2011 में पराग ने ये ज्वाइन किया था ट्विटर, और अभी पराग सिर्फ 37 साल के हैं, यानी 37 ईयर्स के हैं पराग। तो इसी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उम्र, या फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना लेट हमें हो रहा है या कितना जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने से मतलब रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। साथ ही आपको बता दूँ, पराग ने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है, और इसके अलावा इससे पहले पराग जो है ट्विटर से पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं, AT&T और याहू के साथ भी वो काम
कर चुके हैं और इन तीनों ही कंपनियों में उनका काम रिसर्च और ओरिएंटेड था। तो यानी कि वो पहले ही बहुत अच्छा काम कर चुके थे। और ऐसे में उनकी बता दूं, एक छोटा 3 साल का उनका बेटा भी है, उनकी वाइफ है, और जो विनीता अग्रवाल उनकी वाइफ का नाम है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है और फिजिशियन है एक। तो कहीं ना कहीं पराग पहले से ही बहुत डेडिकेटेड थे और इसीलिए देखिए पराग के बारे में जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, इसी से हम सबको ये सीखना चाहिए कि मेहनत हमें हमेशा करनी चाहिए और गोल की तरफ हमें हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कब किसका समय आ जाए, कब आपकी मेहनत रंग लाए। इसीलिए बिना निराश हुए बस आगे बढ़ते जाइए।